सोलो फ्रेंड, तो आगे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज जो हमने इस टाइप की ब्रोकन हार्ट फोटो एडिटिंग, अगर आप लोगों को इस टाइप की एडिटिंग करना है तो इस वीडियो जो मैंने क्लास तक आप लोगों को इस टाइप की एडिटिंग जो है इजिली कर पाए, ठीक है। तो चलो जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड जो हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो ऐसे लाइक कर दो, और इसलिए चैनल में आए तो चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग मुझे बोलते हैं कि मोबाइल का फोटोशूट लाओ, ठीक है। मैं जो मोबाइल का फोटो चीज़ जल्द ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोबाइल का फोटोशूट जब भी आएगा तो बहुत ही मस्त होगा, क्योंकि मैं आपको एडिटिंग भी साथ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके पास नोटिफिकेशन जब भी जाएगा, आप दोनों के उस वाला वीडियो को देख के जो है मोबाइल से जो है फोटो को खींच के कुछ इस तरह से एडिट कर सकते हो, ठीक है। मेरा 100% मानना है, ठीक है। आप लोग जो मोबाइल से अच्छा से फोटो खींच सकते हो, एंड ये देख सकते हो हमारा नॉर्मल फोटो जो है, ठीक है। तो इस नॉर्मल फोटो को हम अभी जो हम एडिट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो चलो जो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी जो हम जो है लाइटरूम पर शेयर कर लेते हैं इस फोटो को, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारे चीज़ तो लाइटरूम पर, तो लाइटरूम आने के बाद यहाँ पर जो मैं क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मेरे फोटो के अंदर काफ़ी से गैप है तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके फोटो के अंदर गैप है तो इस टाइप से अगर आपको भी ठीक करना होगा, ठीक है। मैं अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ फोटो को जो बेस्ट लगे इस टाइप से, ठीक है। मैं इस टाइप से कर लूँगा, इसको डन कर लेता हूँ। और आई थिंक अभी जो बेस्ट लग रहा है फोटो, एंड इसको जो है मैं अभी जो लाइट्स क्लिक कर लूँगा, एंड इसको जो एक्सपोजर को बढ़ा दूँगा हूँ, और इसके कॉन्ट्रास्ट को कम, और इसके हाईलाइट्स हाईलाइट्स को थोड़ा कम कर लेंगे, शेडो को बढ़ा देंगे, एंड इसी ब्लैक को कम, एंड इसको व्हाइट्स को भी कम, ठीक है। एंड अगर आपको फोटो के अंदर काफ़ी से ब्लैक आ रहा है तो इसके शेडो को और थोड़ा बढ़ा देना है, एंड आपको हिस्टोग्राम को ऑन करके देख लेना है, ठीक है, कहाँ पर लाइट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें काफ़ी से परफेक्ट है, एंड हाईलाइट्स जो हमारे काफ़ी से कम है, तो हाईलाइट्स को और थोड़ा कम कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। एंड अभी जो बेस्ट लग रहा है, एंड इसको बैक कर लेते हैं। अभी मैं कलर्स पर क्लिक करता हूँ, एंड मिक्स पर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो नेमेट्स को बढ़ा दूंगा, एंड क्षेत्र को भी बढ़ा दूंगा। दूसरे कलर पर सेलेक्ट करना इसका जो नेमेट्स को, एंड क्षेत्र को बढ़ा देना है। अभी तीसरे कलर पर सेलेक्ट करना है इसका जो है क्षेत्र को कम, एंड इसके जो नेमेट्स को कम, इस वाला कलर का भी सेम वही वाला काम करना, ठीक है। इस टाइप से कर लेना है। अभी इसको जो है थोड़ा कम, एंड इसको थोड़ा बढ़ा देना है क्षेत्र को, इसके ह्यू को देख लेना, ठीक है। ह्यू जिस टाइप से अगर आप जिस टाइप से अच्छा लगे उस टाइप से कर लेना। मैं इस टाइप से कम कर लेता हूँ, इसका भी कम कर लेता हूँ, इसको डन कर लेता हूँ। बेसिकली यहाँ से काम आपको हो गया। अभी आपको सिलेक्टेड पर जाना है, ठीक है। और आपको जो है अगर आपको सब्जेक्ट वाला जो है सिलेक्टेड टूल यूज़ होता है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, ठीक है। और जो मेरा यूज़ नहीं हो रहा कि मेरा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चला रहा है लाइटरूम पर, तो यहाँ पर जो मैं कलर्स रैंक पर क्लिक कर दीजिए इस टाइप से कर लूँगा, और इसके अप्लाई पर क्लिक कर लेता हूँ, और इसका जो मैं एक्सपोजर को कम कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सपोजर को नहीं, हाईलाइट्स को कम कर लेता हूँ तभी जो बेस्ट लगे। एंड इसके जो मैं टेक्सचर को बढ़ा दूंगा और इसको डन कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी ज़्यादा फोटो बहुत ही मस्त लग रहा है। मैं जो यहाँ पर जो फेस का जो लाइट्स को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसके जो मैं लिप्स का भी बढ़ा दूंगा, ठीक है, शेसेंस को एंड इसके जो नेमेनिस को, और इसको डन कर लेंगे। और अभी आपको यहाँ से काम हो गया, हम जो सनसेट में यहाँ पर शेयर कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो हम आज लाइटरूम पर, तो लाइटरूम आने के बाद यहाँ पर आपको लाइट्स भी क्लिक करना होगा, और आपको जो ट्यून इमेज पर क्लिक करना होगा, और आपको जो सबसे पहले हाईलाइट्स को बढ़ा देना हल्का सा, एंड इसके शेडो को बढ़ा देना, और अभी आपको एमबीएस को बढ़ा देना, और इसके कॉन्ट्रास्ट को कम, और उसके ब्राइटनेस को थोड़ा ज़्यादा, और इसको डन कर लेना। अभी आपको जो टूल्स पर क्लिक करके डिटेल्स को जो इस टाइप से बढ़ा देना है, एंड आपको जो इस टाइप से डन कर लेना है। और अभी आपको जो है सिलेक्ट टूल का यूज़ करना होगा, ठीक है। हम सिलेक्ट टूल को यूज़ करके जहाँ पर ब्लैक है बस वहाँ पर सिलेक्ट करके जो ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, और इसको जो डन कर लेंगे, ठीक है। एंड फोटो देखना कितना मस्त लगता है, मेरे हाथों पर जो है थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा है, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं इस टाइप से, बिल्कुल ही, ठीक है। इस टाइप से जो ब्राइटनेस को बढ़ा के इसको डन कर लेंगे। अभी फोटो को देखते हो फोटो कितना मस्त लग रहा है। अगर आपको फोटो के अंदर ब्लैक चाहिए तो डार्क चाहिए और भी ज़्यादा, ठीक है, ब्लैक टोन चाहिए, तो यहाँ पर जो है बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना, ठीक है, इस टाइप से। एंड अभी जो है आपका जो है हेयर पर आ रहा है, ठीक है, फेस पर, हेयर पर भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो आपको यहाँ पर प्लस बैक क्लिक करके हेयर पर रख देना कोई ई वाला, ठीक है, एंड इसके फेस पर भी रख देना इस टाइप से। और अभी यहाँ पर ऊपर क्लिक करके जो देख लेना, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर जो हट गया है, एंड आपको जो यहाँ पर भी रख देना है, ठीक है, हल्का सा, ठीक है, जो एकदम हेयर पर रख जाए अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर। और अभी यहाँ पर क्लिक करके जो इसको जो देख लेना, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बस हमारे जो है बैकग्राउंड में यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये वाला चीज़, ठीक है। ये वाला ट्रिक हमेशा याद रखना, या से काम करना, आपका जो काफ़ी जो फोटो जो बेकार नहीं पड़ेगा, बहुत ही मस्त बनेगा, ठीक है। इस टाइप से मैं ब्लैक टोन रख लेता हूँ, और इसको जो मैं कॉन्ट्रास्ट जो है ना कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, और इसको डन कर लेता हूँ। देख सकते हो कितना मस्त चीज़ है ना ये वाला, बहुत ही जो है यूज़फुल ट्रिक है। और अभी जो मैं यहाँ पर जो है ब्लैक आ रहा है, तो यहाँ पर भी ठीक कर लेते हैं। एंड यहाँ से ये वाला ये छोटा छोटा चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। आपका भाई हमेशा जो छोटा छोटा ट्रिक भी आपको बता देता है हमेशा,
तो इस चीज़ के लिए तो लाइक बनता है यार, लाइक कर दो। तो यहाँ से जो आपका काम हो गया, तो यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो बस आपको इस फोटो को शेयर करना हो जाए पिक्सर एप्लीकेशन के अंदर, तो वो जो हम जो पिक्सर एप्लीकेशन से शेयर कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारे चीज़ें पिक्सर एप्लीकेशन के अंदर। तो पिक्सर एप्लीकेशन में तो यहाँ पर जो सबसे आपको इफेक्ट क्लिक करना होगा, एंड आपको जो यहाँ पर ब्लर ब्लर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, एंड आपको जो इस तरह से ब्लर की अमाउंट को सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना, ठीक है। मैं जो इस टाइप से ब्लर के अमाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर इरेज टूल पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर इरेज टूल पर क्लिक कर जो है इसके हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा के जो है यहाँ पर सबसे इन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इन्वर्ट करके जो है हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा देना, एंड आपको जो इस टाइप से जो दे देना, ठीक है, ब्लर को। अगर आप एक क्लिक के अंदर ब्लर देना चाहते हो, यहाँ पर सेलेक्ट टूल यूज़ करना, बस इंटरनेट को ऑन कर लेना, बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना, आपको जो एक क्लिक के अंदर जो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड जो है ब्लर। तो यहाँ पर जो मैं इस टाइप से मैनुअल तरीके से यहाँ पर कर लेता हूँ ब्लर, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो अच्छे से ब्लर देना अपने हिसाब से, तो आप जो मैनुअल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो मैं मैनुअल तरीके से यहाँ पर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने जो मैनुअल तरीके से यहाँ पर अच्छे से ब्लर दे दिया, एंड इसको डन कर लेते हैं, ठीक है। एंड इस यहाँ पर जो डन कर लेते हैं, एंड अभी जो मैं आपको जो है पीएनजी दूंगा, ठीक है, एक टेक्स्ट ब्रोकन पीएनजी दूंगा, तो इस वाले टेक्स्ट को जो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड डाउनलोड करने फोटो को लगाना, एंड फोटो देखना कितना मस्त लगता है। यहाँ पर जो मैं उस वाले पीएनजी इसके यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए वाला पीएनजी, ठीक है, आपको जो ए वाला पीएनजी इसको डाउनलोड करना है, एंड आपको जो यहाँ पर सबसे पहले क्रॉप कर लेना आपको, ठीक है। मैं जो यहाँ पर क्रॉप करके भी आपको दे दूंगा फिर, ठीक है। एंड इसको डन कर लेना, एंड यहाँ से जो हम इसको सबसे पहले प्लान पर जाके स्क्रीन कर लेते हैं, एंड यहाँ पर ऊपर कुछ स्टेप से जो है रख देते हैं, आपको भी कुछ स्टेप से रख देना है यहाँ पर स्टेप से। एंड आपको जो इसको जो इरेज कर लेना, ठीक है, आपको जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट भी आएगा शायद स्टेप से, इसको हम इरेज कर लेते हैं लाइट्स को, एंड इसको डन कर लेते हैं, और ऐसे इसको डन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस और फोटो को यहाँ पर मस्त बनाना, तो इस फोटो को सेव करके लाइटरूम एप्लीकेशन इस फोटो को ऐड करना है, एंड आपको फोटो देखने कितना मस्त हो जाता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत डार्क टोन देखो फोटो लाइटरूम पर, तो बहुत ही ऑसम लगेगा। तो ये चीज़ करना नावली है, ठीक है। एंड आपको जो यहाँ पर फेस स्मूथ भी थोड़ा बहुत कर लेना, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया था कि ऐसे आप फेस स्मूथ कर सकते हो, तो मैंने इसी पहले वीडियो के अंदर आपको नहीं बताया, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने ला, क्योंकि मैं फोटो से रिलेटेड वीडियो हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। और जो है मेरा मोबाइल का जो फोटोशूट आने वाला, ठीक है, आप लोग जो मोबाइल से फोटो खींच के जो इस टाइप से कैसे एडिट कर सकते हो, एंड बहुत ही मस्त मस्त एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और आपका भाई ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।